स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू द चैप्टर सेम चैप्टर दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला था सवाल नंबर 37, वो देखिए वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक पॉइंट है, आप पॉइंट समझ लो और समझ करोगे। इट सेज जेलको लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओनली पार्ट सी हैज बीन आस्क्ड। पर्टिकुलर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, डिबेंचर्स आर गिवन, एडिशनल में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आर गिवन, देन इंटरेस्ट पेड इज गिवन। डिबेंचर्स के आगे एक परसेंटेज लगाई हुई है आपकी, 12% लगाई हुई, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स भी दिया हुआ है। देन नो नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन। अब आपने 12% लगाना नहीं है, आप लगा लगा के मत देखना कि ओपनिंग पे लगाएं या क्लोजिंग पे लगाएं और क्या जूम करें। यहाँ पे कोई अजम्पशन लेने की बात नहीं, यहाँ पे सिंपली आपने जितना इंटरेस्ट दिया हुआ उसको आपने ट्रीट कर देना है ए प्लस सी माइनस। यहाँ पे सिर्फ सी पूछा गया है, सी माइनस। तो टोटल बैलेंस शीट में भी अगर आप कहीं इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ तो कैलकुलेट नहीं, फिर भी आपने परसेंटेज लगानी। परसेंटेज सिर्फ उस केस में लगानी है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट के बारे में ना बताया गया जितना हमने पे किया, और वो भी अजम्पशन लेके ओपनिंग क्लोजिंग वाला पॉइंट करके। यहाँ पे 12% हमारे लिए रेलिवेंट है। 19,000 रुपीज जो है वो आपके ए प्लस और सी माइनस बनते हैं, यहाँ सिर्फ सी पार्ट है तो माइनस बनते हैं। देन डिविडेंड पेड इन द ईयर वाज रुपीज 50,000, ये भी आपका सिंपल दिया हुआ है, ये भी ए प्लस सी माइनस का, यहाँ माइनस हो जाएगा। जो नया पॉइंट है यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर जेलको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? दीज आर द एक्स्ट्रा शेयर्स गिवन टू द शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जिसके पास पहले ही शेयर्स पड़े हुए हैं उसको हमने और शेयर दे देने हैं फ्री, बोनस शेयर में पैसे नहीं लेने हैं उससे। पैसे फिर कौन देगा? हम अपने रिजर्व जो है वो उनको कैपिटलाइज कर लेंगे। रिजर्व कैपिटलाइज करना मतलब रिजर्व को यूज कर देना, रिजर्व में से प्रॉफिट उनको शेयर दे दिए हमने, उनसे पैसे नहीं लिए। एंड रेशियो क्या थी? रेशियो थी 5:1। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास 5 शेयर थे उनको एक शेयर बोनस शेयर दे दिए, उनको फ्री में शेयर दे दिए, पैसे नहीं लिए गए बोनस शेयर्स के लिए, रिजर्व जो है वो यूज किए गए। इट विल रिजल्ट, अब देखो क्या चीज बढ़ रही है क्या कम हो रही है। जो शेयर कैपिटल है हमारी वो बढ़ रही है और जो रिजर्व है हमारे वो कम हो रहे हैं। अल्टीमेटली शेयर होल्डर फंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पॉइंट आपका अकाउंटिंग रेशियोज का बन जाता है। बट इफेक्ट विल बी देयर, नो इफेक्ट विल बी देयर इन द शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल बढ़ गई, रिजर्व यूज कर लिए गए। It is a transaction in between shareholder fund only. It will not result in any change in the equity of the company. ठीक है? अब वो कहता है 5:1 coming back to this point. 5:1 में हमने जो shares थे वो company ने bonus shares को दे दिए, जिसके पास 5 shares थे उनको हमने 1 share extra दे दिया। आप देखो opening share capital कितने rupees की पड़ी हुई थी? 10 lakh। 10 लाख की, अगर 10 लाख की कैपिटल पड़ी हुई थी हमारे पास, इस रेशियो में अगर हम जाएं 5:1 में कितने शेयर जो है हमने बोनस शेयर दे दिए, 5:1 10:2 2 लाख 2 लाख 5:1 की, जिसके पास 5 रुपीज के शेयर थे या 5 शेयर है उनको 1 रुपए का एक्स्ट्रा शेयर मिल गया। जिसके पास 10 लाख के शेयर थे सेम वो जब आप करते होते हो उसमें करा होगा आपने 5x(x) = 10 lakh = 2 lakh ऐसे करके करते हो तो शायद, है ना? तो 10 lakh जो है जिसके पास 10 lakh के शेयर्स थे उसको हमने 2 lakh के शेयर्स दे दिए, तो शेयर्स हमारे कितने के बन गए? 2 lakh के बोनस शेयर देने के बाद कितने के बन गए? 12 lakh के। क्लोजिंग हमें कितने दिए हुए हैं? 12 lakh 12 lakh। तो जो 2 lakh रुपए के शेयर्स बढ़े हैं वो हमने रिजर्व को कैपिटलाइज किया, बोनस शेयर दिए हैं, कोई कैश नहीं हमारे पास आया, 2 लाख रुपए का कोई फ्लो नहीं है, नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको आपने सी पार्ट में नहीं लेना है। समझ आ रही है बात? शेयर कैपिटल तो आई बड़ी हमारी, इशू भी हुए हैं शेयर, लेकिन उसके लिए हमने कैश नहीं लिया। जब हमने कैश नहीं लिया है, कैश इनफ्लो नहीं हुआ है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं आएगा। अगर सपोज वैल्यूज दी होती आपको 13 लाख और 10 लाख, और ये कहा होता कि 5:1 की रेशियो में हमने शेयर जो थे वो ओवर इशू कर दिए, बोनस शेयर कर दिए इशू, इस केस में कोई फर्क पड़ता?
ये आपको क्लोजिंग वन लैख कैश क्लोजिंग 20 ईयर प्रीवियस ईयर दिया, फिर क्या होता वन लैख के हमने इश्यू किए थे ना, फिर वन लैख का इनफ्लो बनता, फिर वन लैख का इनफ्लो बनता कि 10 लैख का 2 लैख हमने दे दिया बोनस शेयर्स, 12 बन गए, अब 12 के 13 है, 18 के 1 लाख के हमने शेयर्स जो है वो कैश की फॉर्म में कैश के अगेंस्ट इशू किए गए हैं, फिर वो 1 लाख आता है। इस केस में नहीं आएगा बिकॉज 10 का 12 ही बन रहा है बोनस शेयर देने के बाद। गेटिंग माई पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल इस पार्ट में नहीं क्रिएट की जाएगी। डन, किसी को यहाँ डाउट हो तो पूछ ले, मैंने एक पॉइंट जोड़ कर मान लें, आप कहीं ना कहीं वो आने वाला है पॉइंट। ठीक, ओके, एक पॉइंट और आपका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट क्या रहती है, अभी भी किया हमने कल परसों भी किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट a+c-. Why a plus? क्योंकि ये हमारा फाइनेंसिंग में इंक्लूड होना है तो वहां पर माइनस करते हैं, यहां पर प्लस। फाइनेंसिंग में इंक्लूड होना है तो हम c माइनस करते हैं, a प्लस क्यों करते हैं? ये फाइनेंसिंग में इंक्लूड होना है, इट इज द आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन हम इसको इसीलिए तो हम c माइनस करते हैं, a में ऐड क्यों करते हैं? सर नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने उसको पहले सब्ट्रैक्ट किया होता है। बिल्कुल सही बात है, गिवन वेरी गुड, बिकॉज़ ये पहले इसको माइनस हम किया होता है, इसलिए हम ऐड बैक कर रहे होते हैं, बिकॉज़ वी आर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, एंड वी ट्रीट इट एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज व्हाई हम फाइंड कर रहे होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यही होता है कि वो कैश में भी रिजल्ट किया हुआ हो और हो भी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, दोनों कंडीशन हो, कोई ऐसी आइटम जो नॉन कैश हो चाहे वो ऑपरेटिंग हो उसको हम ट्रीट करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज, हालांकि ये ऑपरेटिंग है बट स्टिल इसको हम माइनस करते हैं बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि ये नॉन कैश है, क्यों ऐड किया जाता है ये समझना भी जरूरी है, क्यों ऐड कर रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, बिकॉज इट दो इट इज एन ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट स्टिल इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, कैश में नहीं कर रहा है, और उसको हम पहले माइनस कर चुके थे, दैट इज व्हाई वी वर एडिंग द डेप्रिसिएशन चार्ज इन दैट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और एनी अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसको हम ऐड क्यों करते हैं? हालांकि इंटरेस्ट जो है वो कैश का एक्सपेंस है हमारा, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो नॉन ऑपरेटिंग भी है, इसलिए उसको भी हम ऐड कर देते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मींस कोई ऐसी आइटम या तो वो नॉन कैश हो एडजस्टमेंट में आ जाएगी, या वो नॉन ऑपरेटिंग हो वो एडजस्टमेंट में आ जाएगी। आपने याद होगा, आपको आपने हेडिंग लिखा था एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, आइटम्स हियर मींस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, इसीलिए हम उसको रिवर्स कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज हम पहले माइनस कर चुके थे। This is as concerned with the interest paid. Interest paid. Now the point is regarding interest received. जो मैंने नया करवाना है. Interest received. Interest received की treatment क्या रहती है? Cash flow statement में interest received की treatment क्या रहती है? So one. A minus. Then. B plus. B plus. A minus and B plus, this is the interest received on investment, कहीं हमने पैसा लगाया हुआ है, किसी को लोन दिया है, कहीं किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, जो वहाँ शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड आएगा, जो वहाँ से भी इनकम जनरेट होगी, A minus and B plus, ये आपने निकालना किस पे है, ये आपको इन्वेस्टमेंट की आगे परसेंटेज दी होगी, आपको सामने दिया होगा, सपोज 10% इन्वेस्टमेंट 5 लाख 3 लाख, सपोज ऐसे दिया होगा, दिस इज करंट ईयर एंड दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर, तो ये 10% जो है आपने 3 लाख पे निकाल के, जैसे आप डिवेंचर वाले केस में करते होते, 3 लाख का 10% निकाला, वो आपका आ गया 30,000 रुपीज,
और 30,000 को आपने ए माइनस और बी प्लस कर दिया, ए माइनस एंड बी प्लस। पॉइंट वही है जैसे आपने डिवेंचर्स के फॉर्म में डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट लिया, वैसे ही आपने हम इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ले लेना है और उसको आपने कैलकुलेट करके ए माइनस एंड बी प्लस कर देना, जो कि आप डिवेंचर्स वाला इंटरेस्ट ए प्लस सी माइनस कर देना। Assumption फिर वही है, whatever change has been made in the investment, either it is purchased or it is sold, जो भी है, that has been done at the end of the current year, that is why no interest is being received on 2 lakh rupees investment, 3 lakh पे ही हम कर देंगे। बाकी अगर सम बता दे कि वो इन्वेस्टमेंट कब करी गई है, अगर ओपनिंग में करी गई है, या आप अज्यूम करते हो कि ओपनिंग में करी गई है, फिर 5 lakh पे आ जाएगा, या फिर वो इन बिटवीन करी गई है, जैसे हम कल पॉइंट कर रहे थे इन बिटवीन करी गई है, तो वो उसके हिसाब से इंटरेस्ट आ जाएगा। जो कुछ सारा हमने डिवेंचर्स में किया है कल तक, चाहे वो बिगनिंग का था, चाहे वो एंड का था, या इन बिटवीन का था, सारा कुछ ऐसे ही आपने इन्वेस्टमेंट में भी करना है। इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट की बात यहाँ हो रही है, वो सेम करना है आपने ए माइनस और बी प्लस। ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ए माइनस इसलिए करते हैं बिकॉज ये इनकम है, इनकम है लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए वहां से माइनस कर देते हैं बिकॉज पहले ऐड कर चुके थे। और बी में ऐड इसलिए करते हैं, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में जाके बी पार्ट में इसको हम ऐड कर देते हैं। क्लियर ये वाला पॉइंट? ठीक है, एक पॉइंट और डिस्कस करना है, ये पॉइंट हो सकते हैं कि आपके असाइनमेंट्स में आ रहे हैं, ये पॉइंट असाइनमेंट्स में आने हैं, आप लोग को करनी है, इसलिए पहले ही ताकि आप कल पूछोगे, आप सम्स निकालो फिर भी प्रॉब्लम कोई आएगी तो फिर बाद में करेंगे बात। एक पॉइंट आपका आ जाएगा असाइनमेंट का, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, अगर ये पॉइंट, रिफंड ऑफ टैक्स जो है इट विल इफेक्ट बोथ द टैक्सेस, बोथ टैक्सेस कौन से, टैक्स प्रोवाइडेड भी और टैक्स पेड भी, टैक्स प्रोवाइडेड एंड टैक्स पेड। भव्या जैन एंड हर्षिता गांधी प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। टैक्स पेड भी और टैक्स प्रोवाइडेड भी आपका जो है, प्रांजल आल्सो, प्रांजल तो बेचारी कब से कैमरा पर थी, प्रांजल इफ यू कैन स्विच ऑन द कैमरा प्लीज। रिफंड ऑफ टैक्स जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इट विल अफेक्ट बोथ द टैक्सेस, बोथ द टैक्सेस कौन कौन से, टैक्स प्रोवाइडेड भी और टैक्स पेड भी। अब आपको अगर टैक्स प्रोवाइडेड, सपोज आपको प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आपको दी हुई है, सपोज 50,000 और यहाँ दिया हुआ है 40,000, उसने कहा टैक्स रिफंड इज सपोज से 5,000, रिफंड ऑफ टैक्स इज 5,000, दिस रिफंड ऑफ टैक्स विल बी डिडक्टेड बोथ फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड एंड टैक्स। Then the treatment will be there. Otherwise, इसके बिना tax provided क्या था? अभी इसको भी बात कर रहे हैं, हम refund of tax की नहीं बात कर रहे हैं। Tax provided क्या था? $50,000. This is the tax provided, which will be added in Part A. And what about this? This is tax. ऐसे होगा। Now tax provided will not be 50,000 but 50 minus 5, 45, and tax paid will not be 40,000, it will be 40 minus 5, 35। दोनों में से माइनस कर देना है आपने। अल्टीमेटली एक बारी वो ऐड हो रहा है आप देखिए, एक बारी वो लेस हो रहा है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगी सेम अमाउंट के साथ। चाहे हम दो बारी माइनस कर रहे हैं, दो बारी माइनस करने से मिलनी कैसे है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट आप देखिए एक बारी उसको हम ऐड कर रहे हैं, एक बार उसको हम लेस कर रहे हैं, दोनों बारी करने से, ऐड और माइनस करने से अल्टीमेटली आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मैच कर जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो। ठीक, एक पॉइंट और, ये सारे पॉइंट्स आपके असाइनमेंट में आने हैं, होपफुली असाइनमेंट में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं और सम्स में आ ही जाएंगे। असाइनमेंट हम सारे सम्स दे रहे हैं ना आपको, बाकी आप सारे सम्स खुद कर रहे हो, हम ये अज्यूम कर रहे हैं।
एक हमने टॉपिक किया था 11th क्लास में, टाइप्स ऑफ शेयर्स का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. यही था. बाय द प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स. वन ओनली टू, only two children they know ki by the preference shares are known as preference shares. Now four, now five. Jasmine sir, kyunki unhe preference is given hoti hai that they will be paid the dividend first, then the equity shares, then second preference shareholder. Yes, second preference bhi hoti hai. Koi aur, ek aur preference bhi hoti hai kya? Ye to dividend pay karne ki hoti hai. Second preference kaun si hoti hai? सर लिक्विड है, जब कंपनी डिसॉल्व हो रही होती, बंद हो रही होती, तब भी उनको उनका शेयर पहले मिलेगा. यस, टू प्रेफरेंसेस आर देयर. वन इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एंड सेकंड इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम जो जस्मिन ने बताई है प्रेफरेंस, उसकी बात कर रहे हैं. दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड. दे आर पेड डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. और कभी सम में आपको वहां लिखा हो, सपोज वहां लिखा हो इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स दे वर पेड अ डिविडेंड ऑफ सपोज 10%. इसकी आपको या अमाउंट दी होगी या आपको परसेंटेज दी होगी, और स्पेसिफिकली वहां लिखा होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब इट इज अंडरस्टूड बिकॉज वी आर पेइंग डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, वी अंडरस्टूड दैट प्रेफरेंस को भी पे करना है पहले. अगर सब में ना बताया गया हो ना प्रेफरेंस को पे किया, तो आपने प्रेफरेंस को खुद पे करना है. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड की परसेंटेज होगी, आपने नोट किया होगा, उसकी आगे लिखी होती है, उसमें लिखा होगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी के आगे लिखा होता, बिकॉज इक्विटी का फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस का फिक्स होता है. ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर और उनकी विश के ऊपर, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर, वहां जो डिसाइड होता है वो उसके ऊपर. प्रेफरेंस का फिक्स होता है कि आपको मिलना ही 8% है, इससे कम नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. ठीक, अगर उसने कह दिया ना कि डिविडेंड इक्विटी को दिया है सपोज 10% 12% व्हाटएवर द परसेंटेज इज गिवन, before giving dividend to equity shareholders you have to give dividend to preference shareholders also. वो खुद पे करना पड़ेगा, वो ना भी बताया हो खुद पे करना पड़ेगा. अदरवाइज हम डिविडेंड जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम कहीं लिख नहीं रहे हैं. इसको आपको याद होगा, डिवेंचर्स का कुछ ना भी बताया गया हो, डिवेंचर के इंटरेस्ट का, उसका इंटरेस्ट हम खुद ले लेते हैं. दिया हमने ना 10% डिवेंचर, 10% इन्वेस्टमेंट का भी हमने खुद लिया, because that interest is a charge against profits. याद है charge और appropriation word? Charge और appropriation क्या होता है? Charge और appropriation difference क्या रहता है केतन? Sir, in charge we have to give the amount to the creditors whether we earn profit or not. In appropriation according to the profit we give the. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. कैश जो आपका चार्ज जो है, इट इज मस्ट टू बी पेड. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एम्प्लॉयज सैलरी, वेजेस, उनके रेंट वगैरह, ऑल दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स. दीज आर मस्ट टू बी पेड. जो एप्रोप्रिएशन होती है दे डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट्स. जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, हैज टू बी पेड. बट द डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. अभी तक कितने सम्स आए? कई सम्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी और कईयों के आगे परसेंटेज लगी हुई थी. हमने कभी इसकी बात नहीं करी कि कुछ करना है कि नहीं करना, क्योंकि हम बताया ही नहीं है. इसका तो बताया होगा तो हम करेंगे, नहीं बताया होगा तो नहीं करेंगे. बिकॉज ये डिविडेंड है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज नहीं है. ठीक, लेकिन जब आपको ये बता दिया गया हो कि इक्विटी का डिविडेंड पे हो गया है, इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड पे हो गया है, उनका भी डिविडेंड पे हुआ है. उनका हमने सिर्फ खुद लगा देना है, इनको देने से पहले इनको भी देंगे. तो डिविडेंड जो हम पे करेंगे वो हम दो एंट्रीज करेंगे. जो हम लिखेंगे डिविडेंड प्रपोज ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड प्रपोज ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फाइनेंसिंग में भी डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड प्रेफरेंस. दो ट्रीटमेंट अलग अलग आएंगी.
क्लियर हुआ मेरे पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, चला है पता? ठीक है, बिकॉज प्रेफरेंशियल होल्डर्स दे हैव प्रेफरेंस ऑफ रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड इफ द सम इज सेइंग दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड, इट मींस दैट प्रेफरेंशियल होल्डर्स हैव आल्सो बीन पेड, और उसकी परसेंटेज आपने ले लेनी है, उसकी वैल्यू को जैसे भी सम में कहा गया होगा वो निकाल लेंगे आपको। ठीक, और यहाँ पे आपने जो सम है, सम नंबर 38, ये कर लेना, ये असाइनमेंट में तो मैंने नहीं दिया है लेकिन इस सम में ये पॉइंट है डिविडेंड का, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 में उसने लिखा है ना डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर हैज बीन पेड 8%, तो प्रेफरेंस का भी पे कर लेना, प्रेफरेंस के आगे परसेंटेज लगी हुई है 5%। ठीक, लेकिन अगर कहा हो, इसी सम की मैं बात करता हूँ, उसने कहा हो डिविडेंड हैज बीन पेड इतना, ये ना बताया हुआ इक्विटी का है तो प्रेफरेंस का है, फिर नहीं आपने ये करना, फिर नहीं आपने ये करना, उसने कह दिया डिविडेंड पेड सपोज, ये बताया नहीं कि वो इक्विटी है प्रेफरेंस, मीन कि दोनों का इकट्ठा ही है वो, अगर पर्टिकुलरली मेंशन किया हो कि डिविडेंड और इक्विटी शेयर हैज बीन पेड, देन वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर आल्सो, अगर लिखा हो डिविडेंड पेड, बताया ना वो इक्विटी का है या प्रेफरेंस का है, इट मीन्स कि वो दोनों का ही है, फिर नहीं आपने प्रेफरेंस को अलग से करना, मेरी बात समझ आ रही है तुम लॉजिकली? उसने डिविडेंड पेड ही बोल दिया तो टोटल डिविडेंड ही आ गया, उसने स्पेसिफिकली डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर बोला हो तो हम प्रेफरेंस शेयर का साथ में कर देंगे, दिस पॉइंट इज देयर इन सम नंबर 38, इसको ट्राई कर देना, तो दिस सम इज नोट देयर इन द असाइनमेंट, डन। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, ये पॉइंट्स थे जो करवाने वाले थे आपको, एंड एक पॉइंट हमने मेरे ख्याल से शायद कल भी कर लिया था, दैट रिडेम्पशन जो है एट प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आया था कल 5% प्रीमियम पे, है ना, उसको उसको मैं हल्का सा रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, सपोज डिबेंचर्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, यहाँ 4 लाख के हैं और यहाँ 5 लाख के, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिबेंचर्स हैं ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज के रिडीम हुए। सिंपल केस में हम ये 1 लाख रुपीज का क्या करते, इसको हम सी पार्ट में माइनस करते, यही करते, लेकिन उसने ये कह दिया एट द एंड एडजस्टमेंट्स में दैट द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड एट से 10% प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स महंगा, प्रीमियम तो ऐड करना है हमने, ज्यादा दिए, इसका मतलब ये द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कितने डिबेंचर्स हमने रिडीम किए थे 1 लाख की, कहता 1 लाख के डिबेंचर्स का 1 लाख नहीं दिया 10% एक्स्ट्रा दिया है विच इज 10,000, तो 1,10,000 जो सी पार्ट में आप माइनस करोगे 1 लाख नहीं करोगे आप सी पार्ट में 1,10,000 माइनस करोगे, 1,10,000 माइनस करोगे आप सी पार्ट में, समझ आ रही है बात, और जो ये 10,000 अलग से है इट विल बी एडेड इन द ए पार्ट इन एडजस्टमेंट्स बीइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ले रही है बात, ठीक, 10,000 की ट्रीटमेंट दो बारी हो गई, 10,000 ए प्लस सी माइनस हो गया, जो 1 लाख था वो भी सी माइनस हो रहा है, ये सी में आपने 1,10,000 माइनस करने हैं, अगर आप अलग अलग भी कर दोगे ना, आप वहां लिखोगे द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख माइनस में और माइनस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10,000, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप इसको अगर लिखोगे ना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऐसे करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम 1,10,000, इसको ऐसे लिखोगे आंसर तो ऐसे भी आ जाना है, थोड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे को पता है कि ये जो पॉइंट है ना इससे रिलेटेड है, आंसर ऐसे भी आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा आपका वेट जो है ना शीट का आंसर का इससे बढ़ता है, पॉइंट चलता है पता है बच्चों को, ये पता है पॉइंट, हालांकि यहाँ मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन यहाँ ऐसे करने से अपना हम एक स्टैंडर्ड शो कर देंगे कि हाँ हमें नॉलेज है, तो अगर कहीं और सपोज कहीं एक आध नंबर परमात्मा ना गए कटना होगा तो वो उसको उसके माइंड में रहेगा कि ये बच्चा अच्छा है जैसा उसने पॉइंट लिखा है, जहाँ एक कटना होगा ना वो आधा कटेगा, जहाँ 2 कटने होगा वो 1 कटेगा, उसको चल जाएगा मतलब बच्चा अच्छा है, इसके पॉइंट्स आते हैं कहीं ना कहीं वैसे इससे मिस्टेक होगी, ठीक है, कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमें शो करने पड़ेंगे कि हमें आते हैं,
अच्छी तरीके से कर रही है, ठीक। और भी पॉइंट आपने पूछना तो पूछ लीजिए। एक आपका चैप्टर नंबर टू रहता है करवाने वाला, जो बीच में हमने छोड़ा था, वो एक दिन का काम है हमारा, हम कल कर लेंगे उसको। और वो मोस्ट ऑफ दैट चैप्टर आपने इलेवंथ में किया हुआ, इलेवंथ में ही किया है ना, पहला हम उस चैप्टर को एक दिन में सारी थ्योरी है उसमें हम कर लेंगे उसको। और जो आपको असाइनमेंट भेजी थी प्रैक्टिस असाइनमेंट, जिसकी आज आंसर की भी आ गई, आपने किसने सॉल्व किया उसको अभी तक? किया नहीं, नहीं किया है तो अब कर लेना, अब तो आंसर की भी आ गई है, लेकिन पहले सॉल्व कर लेना, आंसर की बाद में देखना, फिर कोई डाउट हो उसमें से भी पूछ सकते हो आप।